नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं पनीर करी। आई होप ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। फ्रेंड्स, पहला हम मसाला रेडी कर लेते हैं, फिर इसके बाद दो टमाटर प्यूरी उसको बना लेंगे, और फिर करीबन ये 250 ग्राम का पनीर है उसको भी क्यूब साइज करके काट देंगे, और फिर इसमें सूखा मसाला और थोड़ा अदरक लहसुन प्याज का जो पेस्ट में हमने बनाया था वो भी थोड़ा ऐड कर लेंगे। ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स करके पहले थोड़ा फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी बाहर का मसाला ऐड नहीं किया है मैंने, बस घर में ही जो मसाला है उसी में ही ये पनीर बनके रेडी हुआ है, और ये बहुत टेस्टी होता है। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। और प्लीज़ ना फ्रेंड, व्यूज़ तब आ रहे हैं पहले से ज़्यादा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पैन में तेल गरम करके उसमें थोड़ा खड़ा मसाला डाल देंगे, फिर फाइन चॉप किया गया प्याज उसको डाल देंगे और हल्का गोल्डन होने तक उसे भूनते रहेंगे। अब हमारा प्याज गोल्डन कलर का हो चुका है, और उसमें हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें मैंने 1 हरी मिर्च डाला है और 1/2 टुकड़ा प्याज भी डाला है, उसको अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें थोड़ा कलर आ जाए तो बाकी का जो सूखा मसाला हमारा है वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, गरम मसाला, अगर पनीर मसाला है आपके पास वो डालिए, वरना नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। मसाला जब तक तेल ना छोड़े तब तक हम मसालों को तलते रहेंगे, फिर उसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर लेंगे। अब हम ग्रेवी को और 3 मिनट तक पका लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा मसाला एकदम रेडी हो चुका है। अब इसमें हम 2 चम्मच दही ऐड कर लेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि दही मसाला में जैसे पूरी तरह मिल जाए। हमारा ग्रेवी अब रेडी हो चुका है। अब इसमें हम पनीर डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो आप इसमें आलू भी थोड़ा फ्राई करके डाल सकते हो। अब इसे थोड़ा सा मिक्स करके इसमें धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे, फिर उसमें 1 कप जैसा पानी दे देंगे। अगर आपको पतला ग्रेवी चाहिए तो आप उसमें 2 कप या 1.5 कप पानी ऐड कर सकते हो। अब इसे 2 मिनट तक और पका लेंगे। अब पनीर हमारा बनके रेडी हो चुका है, तो चलो उसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं और पूरे फैमिली बैठ के एंजॉय करते हैं। इसे रोटी के साथ या फिर राइस के साथ हम खा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Your future's so bright.